सोनी की लास्ट ईयर तक टीवी रेंज शुरू होती थी 74K से, लेकिन इस साल 2023 के अंदर सोनी ने रेंज शुरू करी है 64L से। तो क्या ये एक डाउनग्रेड है या फिर डोंट गो बाय द नेम एंड चेक द पिक्चर क्वालिटी, जो सोनी का कहना है हमें उस पर विश्वास करना चाहिए। आई एम गोइंग टू फाइंड इट आउट। मेरा नाम है विनीत मल्होत्रा और मेरे पास है सोनी का 64L 2023 मॉडल टीवी और मैं आज इसे ट्रू व्यू करके आपको ऐसा वीडियो दिखाऊंगा। एक्चुअली में आपको पता है पूरे YouTube पे आपको कोई दिखाई नहीं सकता, दैट्स माई गारंटी टू यू। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, सोनी ने ना ही मुझे ये टीवी भेजा है और ना ही पैसे। इस टीवी को मैंने खुद खरीदा है और उसके बाद बहुत दिनों से इसे मैं टेस्ट कर रहा हूँ, उसके बाद आपको ये ट्रू व्यू दिखा रहा हूँ। इस वीडियो के अंदर आपको इसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों बताऊंगा ताकि इसे लेने या ना लेने का फैसला आप खुद करें अपनी मर्जी से और आप खुद डिसाइड करेंगे यार, प्रोज एंड कॉन्स सुनना। लेकिन पहले आपको इस टीवी के बारे में कुछ बताता हूं। दिस टीवी कम्स विद आइडेंटिकल डिजाइन जो आपको लास्ट ईयर के 74K के अंदर मिलता था, वही थिक बेजल्स, वही प्लास्टिक के स्टैंड अगर आपने इसे टेबल माउंट करना है तो, और वही प्लास्टिक बॉडी, वही कनेक्टिविटी ऑप्शंस जिसमें आपको 3 HDMI पोर्ट्स मिलेंगे जिसमें से एक ARC पोर्ट है, एक USB पोर्ट मिलता है, एक ऑप्टिकल पोर्ट और बाकी सभी जरूरी कनेक्टिविटी ऑप्शंस देखने को मिलेंगी विद ब्लूटूथ 5.0 एंड डुअल बैंड वाईफाई। लेकिन आज भी आपको सोनी 64L के अंदर HDMI eARC पोर्ट नहीं मिलता, आज भी वो आपको ARC पोर्ट ही देते हैं। सोनी भैया हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी क्या ERC पोर्ट के लिए? दे दो भाई, बजट रेंज के वायर्स भी ERC पोर्ट का थोड़ा सा फायदा उठा लेंगे। लेकिन नहीं, सोनी को कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए आपको बाकी चीजें बहुत जबरदस्त अच्छी देते हैं। और क्या है वो बाकी चीजें, पहले आपको पैनल के बारे में बताता हूँ। इस साल भी आपको इस सोनी के टीवी के अंदर 8-bit FRC IPS DLED पैनल देखने को मिलेगा जिसकी पीक HDR ब्राइटनेस हमारी टेस्टिंग में आई अबाउट 350 nits। अब आप कहेंगे लास्ट ईयर के मॉडल के अंदर 360 nits थी, इस साल 350 nits, तो 10 nits कहां गए? 10 या 20 nits से कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, एक्चुअली में पैनल इज स्लाइटली डिफरेंट। और ये डिफरेंस क्या खूबियां लेके आ रहा है या फिर क्या डाउनग्रेड कर रहा है, दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू इन दिस वीडियो। इस टीवी के अंदर आपको HDR10 और HLG की सपोर्ट मिलती है एंड सोनी X64L अगेन मिसेस आउट ऑन डॉल्बी विजन वीडियो सपोर्ट, बट डज इट रियली मिसेस आउट ऑन दी HDR कैपेबिलिटीज, यही हमने चेक करना है। और सबसे पहले आपको इसी को चेक कराता हूँ Amazon Prime के ऊपर, जहां पे मैं आपको HDR10 Plus का एक वीडियो दिखाता हूँ और आप देखिए कि कितना शानदार तरीके से ये टीवी उसे प्ले कर रहा है। एंड लेट मी टेल यू कि सोनी 64L HDR10 Plus को सपोर्ट नहीं करता, और कंटेंट जो आपने देखा वो HDR10 Plus कंटेंट है। इसका क्या मतलब है कि बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन जो एक एक सीन के अंदर है, जो मेटा डेटा है, वो ये टीवी प्रोसेस कर तो पा रहा है लेकिन आपको पिक्चर क्वालिटी में कोई खराबी नहीं दिख रही है। एंड दैट इज द ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ सोनी टीवीज, आपको एक एक सीन के अंदर, चाहे ब्राइट सीन हो चाहे ब्राइटनेस और डार्कनेस दोनों एक ही सीन में हो, यानी बहुत ज्यादा HDR डिटेल्स उस सीन में हो, आपको कहीं से भी डिटेल्स की कोई कमी नहीं महसूस होगी। एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ द कलर ऑप्टिमाइजेशन, कलर कैलिब्रेशन ऑफ सोनी। एंड टॉकिंग अबाउट कैलिब्रेशन, हमने इसकी कैलिब्रेशन भी चेक करी और हमारे हिसाब से ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट कैलिब्रेशन है इस रेंज के टीवीज में से, क्योंकि आपको इतनी अच्छी RGB सेटिंग्स, यानी रेड, ग्रीन और ब्लू तीनों की सेटिंग्स इतनी शानदार तरीके से शायद ही कोई और टीवी दिखा सके इस पर्टिकुलर प्राइस रेंज में। 64L विनिंग, इज विनिंग हैंड्स डाउन इन द कलर ऑप्टिमाइजेशन, आपको बहुत ज्यादा लाइवली, वेरी क्लोज टू नेचुरल कलर प्रोफाइल ये सारे कलर्स दिखते हैं आपको, ग्रीन्स, आपको रेड्स, ब्लूज बहुत शानदार दिखते हैं, वेरी लाइवली, दे पॉप आउट ऑफ द स्क्रीन, लेकिन एट द सेम टाइम ये ओवर सैचुरेटेड नहीं है। एंड दैट इज वेयर द ब्यूटी स्टार्ट्स, क्योंकि इसी कलर ऑप्टिमाइजेशन को जब आप चेक करेंगे नेटफ्लिक्स पे डॉल्बी विजन कॉन्टेंट पे, जो ये टीवी यानी सोनी X64L सपोर्ट नहीं करता, यू आर गोइंग टू बी अमेज्ड, बिकॉज ना सिर्फ ये डॉल्बी विजन कॉन्टेंट को HDR 4K के अंदर ऑब्वियसली प्ले करेगा, इसके अंदर आपको कलर्स में, ब्राइटनेस में, आपको किसी टाइप की डिटेल में, शैडोज में या ब्राइटनेस में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं मिलेगी। एंड
That is why I love to watch even Dolby Vision content in this TV. क्योंकि मुझे फर्क ही नहीं पड़ता कि कौन सा वीडियो फॉर्मेट है, क्योंकि Sony 64L उसे बहुत शानदार तरीके से प्ले करेगा और मुझे मेरे ओवरऑल पिक्चर एक्सपीरियंस में किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. That is what this TV is making sure. ये TV IPS पैनल है, I already told you that. अब इसके ब्लैक्स हमें बहुत ध्यान से चेक करने होंगे, क्योंकि IPS पैनल इज नॉट फेमस फॉर ब्लैक्स. और जब आप इस टीवी के ऊपर ब्लैक्स देखेंगे तो आप उतने ही खुश और हैरान दोनों होंगे एट द सेम टाइम, बिकॉज इस टीवी के अंदर ब्लैक्स को प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी भी बहुत ज्यादा शानदार है. एंड यू नो द रीजन व्हाई, बिकॉज ऑफ द कलर ऑप्टिमाइजेशन. इस तरीके से करी गई है कलर ऑप्टिमाइजेशन इस टीवी के अंदर. एंड यू नो सोनी से हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको ब्लैक्स भी बहुत ज्यादा अच्छे मिलते हैं. श्योर, फ्रेम डिमिंग और कॉन्ट्रास्ट एनहेंसर भी बहुत ज्यादा काम करते हैं, जो सोनी की टेक्नोलॉजीज इस टीवी के अंदर आपको देखने को मिलेंगी. बट आई एम नॉट गोइंग टू गिव क्रेडिट टू दोज टेक्नोलॉजीज. मेरे हिसाब से कलर ऑप्टिमाइजेशन सबसे बड़ा रोल प्ले कर रही है एंड दिस टीवी इज गिविंग वंडरफुल ब्लैक्स. ये VA पैनल जैसे बिल्कुल डार्केस्ट ब्लैक्स नहीं है और वो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते किसी भी IPS पैनल से. बट द बेस्ट पार्ट इज कि एक IPS पैनल होते हुए भी आपको ऐसे ब्लैक्स मिल रहे हैं. दैट इज व्हाट यू गेट इन सोनी 64L. एंड ये मेरे हिसाब से पिछले साल से थोड़ा सा और बेटर है, बोथ द कलर्स एंड द ब्लैक्स. थोड़ी सी डिटेल्स मुझे ज्यादा देखने को मिली इस बार. HDR कैपेबिलिटीज थोड़ी सी ज्यादा अच्छी हैं इस बार. And that I observed in HDR 10 and HDR 10 plus content and Dolby Vision content. आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में तो बताया ही नहीं, चलिए अब बता देता हूँ कि ये टीवी आता है Android 11 टीवी OS, यानी Google टीवी OS आउट ऑफ द बॉक्स. और इसके अंदर आपको वही सेम Google का बहुत जाना पहचाना मेन्यू देखने को मिलेगा, जिसमें आपको बहुत सारी एप्स पहले दिखेंगी और उसके बाद आपको सजेस्टेड कॉन्टेंट की टाइल्स दिखेंगी. उसमें से आप कोई भी सजेस्टेड कॉन्टेंट प्ले कर सकते हैं, बट आपको वो रिस्पेक्टिव ऐप की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी अगर आपके पास नहीं है तो. और अगर आपको कोई और ऐप इस पे नहीं मिल रही, then don't worry, आपको Google Play Store के ऊपर 5000 से ज्यादा TVOS की apps मिलेंगी इस TV के अंदर और आप उनमें से कोई भी डाउनलोड कर सकते हैं. And that is the best part. Now, अब काम की बात करते हैं. आपको अगर आधे से ज्यादा इंडिया की तरह सेट-टॉप बॉक्स कंटेंट देखने की आदत है इन TVs पे या फिर किसी भी TV पे, तो हमने भी वो टेस्ट किया और आपको इससे बढ़िया अपस्केलिंग किसी और ब्रांड के टीवी में नहीं मिलेगी. ये बात मैं अपने हर वीडियो में कहता हूँ और आज फिर दोहरा रहा हूँ कि आपको सोनी 64L के अंदर बेस्ट अपस्केलिंग मिलेगी HD चैनल की और आप देख के उसे खुश हो जाएंगे. और जैसे ही आप HD चैनल पे स्विच करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपने कहीं 4K मूवी तो नहीं चला दी अपने इस 4K टीवी पे. इतनी ज्यादा क्लैरिटी और इतनी ज्यादा अच्छी अपस्केलिंग के साथ वो HD चैनल्स प्ले होंगे दैट यू विल रियलाइज दैट यू नो यू आर वॉचिंग द बेस्ट पिक्चर क्वालिटी इन योर टीवी. और यही चीज आप USB से भी जब कॉन्टेंट प्ले करेंगे तो भी ऐसा ही होगा. आप चाहे 720p, चाहे आप 1080p या फिर चाहे आप 4K के कंटेंट को प्ले करें USB से, आपको मजा आने वाला है एंड यू आर गोइंग टू थॉरली एंजॉय द कंटेंट इन योर टीवी. मेरे कई दोस्त ऐसे भी हैं जो या तो स्पोर्ट्स या फिर एक्शन मूवीज देखने के बहुत ज्यादा शौकीन हैं और उनके लिए सोनी के इस टीवी के अंदर मोशन फ्लो XR100 टेक्नोलॉजी भी दी गई है, जो एक चिप बेस्ड MEMC टेक्नोलॉजी है एंड इट वर्क्स ब्यूटिफुली इन दिस टीवी. मैं आपको एक फास्ट एक्शन सीन दिखाता हूँ, उसके अंदर आप देखिए आपको किसी टाइप का मोशन ब्लर दिखेगा ही नहीं. एंड यू नो दैट इज द ब्यूटी ऑफ सोनीज मोशन फ्लो XR टेक्नोलॉजी. नाउ लेट्स टॉक अबाउट गेमिंग. हमने इस टीवी के साथ यानी सोनी 64L के साथ PS5 को कनेक्ट किया और गेमिंग भी करी. गेमिंग के दौरान हमें किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बट वन थिंग यू शुड नो, इसके अंदर ना तो HDMI EARC 2.1 पोर्ट मिलता है और ना ही उसके साथ आने वाला ऑटो लो लेटेंसी मोड. आपको सोनी के 64L के बाद वाले यानी 74L के अंदर ये दो चीजें तो मिलती ही हैं, साथ में PS5 इंटीग्रेशन भी मिलती है, जो तीनों चीजें 64L से मिस आउट हैं. यानी आप 64L का 43 इंच या 50 इंच साइज लेंगे तो आपको ये तीनों चीजें नहीं मिलेगी. व्हाट आर दोस थ्री थिंग्स? वन, HDMI EARC 2.1 पोर्ट, दूसरी ऑटो लो लेटेंसी मोड और तीसरी PS5 इंटीग्रेशन, जो आपको 74L के अंदर बाय डिफॉल्ट मिल जाती है. नाउ
ये बहुत बड़े फैक्टर्स हैं भी और नहीं भी। इफ यू आर अ हार्डकोर गेमर तो ये चीजें आप मिस करेंगे फॉर श्योर। 74L के अंदर आपको बहुत शानदार एक्सपीरियंस मिलेगा। लेकिन अगर आप एक कैजुअल गेमर हैं, आपने लेट्स से ट्वाइस और थ्राइस अ वीक नॉर्मल गेमिंग करनी है टाइम पास के लिए लाइक मी, तो आपको बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा कि इसके अंदर आपको गेमिंग इतनी अच्छी मिल कैसे रही है। बिकॉज ऑटो लो लेटेंसी मोड ना होने के बावजूद भी मुझे लेटेंसी और लैग बहुत कम मिला एंड आई वॉज रियली हैप्पी डूइंग ऑल द गेमिंग इन दिस टीवी। सोनी के इस टीवी के अंदर आपको 20 वॉट के डाउन फायरिंग ओपन बैफल स्पीकर्स मिलते हैं जो कि डॉल्बी ऑडियो के सपोर्ट के साथ आते हैं एंड दे आर फुल रेंज स्पीकर्स। ये स्पीकर्स में कोई बदलाव नहीं करा गया है पिछले साल के मुकाबले और ये वही स्पीकर्स हैं एंड आई एम ग्लैड दैट देयर इज नो चेंज बिकॉज इन स्पीकर्स को मैं बहुत अच्छा भी रेट नहीं करूंगा और मैं बिल्कुल भी कहीं से भी ये नहीं कह सकता कि ये कहीं से भी बुरे हैं। इसका मतलब ये बहुत अच्छी सैटिस्फैक्ट्री ऑडियो क्वालिटी के साथ, मैं बोलता नहीं रहूंगा आपको सुनाऊंगा, लेट्स हियर इट आउट। ये ऑडियो क्वालिटी आपको 200 स्क्वायर फीट तक के रूम के लिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट है अगर आपको सिनेमैटिक एक्सपीरियंस अपने टीवी से नहीं चाहिए तो, अगर आपको बूम बूम बेस नहीं चाहिए तो, एंड यू नो फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल दिस विल बी परफेक्ट ऑडियो क्वालिटी और आपको बहुत रियलिस्टिक ऑडियो क्वालिटी मिलेगी जिसमें आपको डायलॉग सुनने में कोई परेशानी नहीं होगी एंड दैट इज वॉट मोस्ट ऑफ द पीपल नीड। लेकिन अगर आपको सिनेमैटिक एक्सपीरियंस चाहिए तो अच्छी सी एक साउंड बार लीजिए और मेरे वीडियोस देखिए, उससे आपको आइडिया लगेगा कि कौन सी साउंड बार लेनी है। और अब आपको बताता हूँ प्रोज एंड कॉन्स, उससे पहले आपको प्राइस भी बताऊंगा। सोनी 64L दो साइजेस में अवेलेबल है, 43 इंच एंड 50 इंच। 43 इंच के अंदर आपको गारंटीड IPS पैनल ही देखने को मिलेगा लेकिन 50 इंच के अंदर कोई श्योरिटी नहीं है कि आपको IPS पैनल मिलेगा या VA पैनल। ब्रांड अपनी मर्जी और अवेलेबिलिटी के हिसाब से आपको कोई भी पैनल शिप कर सकता है, दैट इज वॉट आई केम टू नो फ्रॉम यू नो माय सोर्सेस। इसलिए अगर आपको श्योर शॉट IPS पैनल ही लेना है जो मैंने लिया है तो आप 43 इंच साइज ही लीजिए। एंड हैविंग सेड दैट, 43 और 50 इंच दोनों साइजेस के आज की डेट के प्राइसेस ये रहे आपकी स्क्रीन पे आपके सामने और मेरे अफिलिएट लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेंगे और VM1 TV 2023 लिस्ट में भी। आप मेरे लिंक से क्यों खरीदेंगे? इसलिए दोस्तों क्योंकि मैं आपको हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे अफिलिएट लिंक से खरीदने से हमें ऐसा कंटेंट जो कि नो स्पॉन्सर्ड कंटेंट है, किसी ब्रांड के दबाव में आया हुआ कंटेंट नहीं है, ऐसे बनाने में मदद मिलती है और हम अपने पैसों से टीवी को खरीद के आपको एक सच्चा ट्रू व्यू दिखा पाते हैं जो दुनिया में और कोई नहीं दिखा सकता आपको। इसीलिए प्लीज़ मेरे लिंक्स को यूज़ करिएगा, आपका प्राइस एक रुपया भी चेंज नहीं होगा। अब आपको बताता हूँ इस टीवी के प्रोज एंड कॉन्स, लेकिन सबसे पहले ज़रा कॉन्स ही बताता हूँ। सोनी 64L के अंदर आपको डॉल्बी विजन की सपोर्ट देखने को नहीं मिलती। दिस इज डिसअपॉइंटिंग क्योंकि 2023 के अंदर अगर आपको बजट रेंज के टीवीज के अंदर भी डॉल्बी विजन की सपोर्ट मिलती है तो आप सोनी से यानी बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीवी ब्रांड से ये एक्सपेक्ट करते हैं, बट सोनी डजंट लिसन टू यू नाउ। आई होप आगे कुछ सालों के अंदर सोनी अपनी बजट रेंज के अंदर भी डॉल्बी विजन की सपोर्ट दे, लेकिन डू यू रियली मिस आउट ऑन द डिटेल्स या HDR कैपेबिलिटीज में किसी टाइप की कोई कमी है? नॉट एट ऑल, आप किसी टाइप की कोई डिटेल्स यू नो मिस आउट नहीं करेंगे। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि डॉल्बी विजन जिन बजट टीवीज के अंदर आता है उनसे फार बेटर पिक्चर क्वालिटी आपको बिना डॉल्बी विजन के सोनी 64L के अंदर देखने को मिलेगी एंड आई कैन गारंटी कि आप सोनी या फिर किसी भी और बजट रेंज के टीवी को साथ में रख के देख लें, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा सोनी टीवी और आपको पिक्चर देखने में मजा आएगा। कोई भी सीन हो, किसी भी टाइप का कंटेंट हो, यू वुड लव टू वॉच दैट कंटेंट। ये मैंने प्रूव बता दिया आपको कौन की जगह, बट एक और कौन है इस टीवी के अंदर कि आपको HDMI EARC पोर्ट नहीं मिलता। नाउ दिस इज रियली बैड कि इन टुडेज डे एंड एज ब्रांड EARC पोर्ट नहीं दे रहा है अपने एक साइज में और दूसरे साइज में दे रहा है। आई डोंट गेट इट, ये किस लिए करा जा रहा है आई रियली डोंट नो, बट ये एक कॉन है जो आपको हमेशा ध्यान में रखना होगा। अगर आपको HDMI EARC पोर्ट की ज़रूरत है, जैसे आपने एक डॉल्बी एटमोस साउंड बार इसके साथ लगानी है और आपको डॉल्बी एटमोस की डिकोडिंग अपने टीवी के कंटेंट से चाहिए, यू वॉन्ट बी एबल टू डू दैट विद दिस टीवी क्योंकि EARC पोर्ट मिसिंग है।
Now, there is another thing that you should know कि इस टीवी को खरीदने के बाद आपको इंस्टॉलेशन टीम ही या तो स्टैंड जो यहाँ पे टीवी के साथ लगा है या फिर वॉल माउंट अगर आप इसे अपनी वॉल पे माउंट कराना चाहते हैं, दोनों में से एक चीज ही प्रोवाइड करेगी। वी चोज स्टैंड क्योंकि हम वॉल माउंट नहीं लेते हैं, तो आपको स्टैंड या वॉल माउंट दोनों में से एक चीज मिलेगी। ये लास्ट ईयर तक नहीं होता था लेकिन सिर्फ इस साल 64L के अंदर करा जा रहा है। कॉस्ट सेविंग, कॉस्ट कटिंग, क्या कहते हैं यार उसको, पता नहीं मुझे, लेकिन आई थिंक ये है वो ही। और यहीं पे कॉन्स खत्म होते हैं। अगर आपको प्रोज बताऊंगा तो आप अभी जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इसे तुरंत खरीदेंगे, क्योंकि ये टीवी इतना ज़्यादा शानदार है कि कोई इसे बीट कर नहीं सकता, किसी और ब्रांड का टीवी। आई स्टार्ट विद द पैनल। ये लास्ट ईयर के मुकाबले बेटर पैनल है, इसमें चेंजेस बहुत कम करे गए हैं, लेकिन ये आपको अच्छी, पहले से बेहतर HDR कैपेबिलिटीज़ के साथ मिलता है। यानी आप जिस सीन के अंदर ब्राइटनेस और डार्कनेस एक साथ देखेंगे, आपको उसके अंदर डिटेल्स पहले के मुकाबले और ज़्यादा मिलेंगी। मेरे पास 74K भी है और 64L आपके सामने पड़ा है। दोनों टीवीज को जब मैंने एक साथ देखा, सेम सीन्स, सेम पिक्चर क्वालिटी, सेम पिक्चर सेटिंग्स में, देन आई रियलाइज कि थोड़ी सी बेहतर पिक्चर क्वालिटी है। और इसमें सारा खेल कलर ऑप्टिमाइजेशन का है, आपको कलर्स भी बहुत अच्छे दिखेंगे और इस IPS पैनल से आपको ब्लैक्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। मैं आपको बार बार ये रेकमेंड करता हूँ कि आप एक फॉक्स लाइट किसी भी IPS पैनल के टीवी के पीछे हमेशा परमानेंटली लगा के रखें, और उसके बाद आपको जो ब्लैक्स का मज़ा मिलेगा वो बिल्कुल ही आउट ऑफ द वर्ल्ड होगा। मैं एक अच्छी फॉक्स लाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, 400-500 रुपये की आती है। आप उसे परमानेंट लगा के रखें, किसी भी कलर की ले लें, आपके डेकोर के साथ जो भी सूट करें, एंड यू विल रियली एंजॉय द ब्लैक्स इन दिस IPS पैनल टीवी। मेरे लिए ऑडियो क्वालिटी भी इसकी बिल्कुल सैटिस्फैक्ट्री है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अपस्केलिंग कैपेबिलिटीज के अंदर मेरे हिसाब से सोनी इज द अनबीटन चैंपियन, जिसे कोई बीट नहीं कर सकता। एंड हैंड्स डाउन आपको SD, HD चैनल्स, USB कंटेंट, किसी भी टाइप के कंटेंट को अपस्केल करके अगर इस टीवी पे देखना है, देन दिस इज द बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीवी, जो आपको बेस्ट पिक्चर क्वालिटी दिखाएगा। स्पोर्ट्स के शौकीन लोगों के लिए भी ये टीवी बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मोशन फ्लो XR100 टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा शानदार काम करती है और आपको मोशन ब्लर ना के बराबर दिखता है। नो टीवी इज परफेक्ट, आपको बिल्कुल मोशन ब्लर नहीं दिखेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, लेकिन बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड दिखेगा। लेट्स से अबाउट 80-90% कंट्रोल्ड, That is a yes in this TV, क्योंकि आपको ऐसा ही controlled motion blur दिखता है जो आपको पता भी नहीं चलता यार, छोटा सा blur आया था क्या, नहीं आया था, something like this, and you know that is why this TV becomes a magical option in this particular price range. इस price range के अंदर बहुत सारे और branded और थोड़े से unbranded, let's say budget brand के TVs आते हैं। तो क्या इस सोनी 64L की पिक्चर क्वालिटी इतनी ज़्यादा अच्छी है दैट यू शुड पे 10,000 रुपीज प्रीमियम ऑन दी 43 इन साइज? मैं होता आपकी जगह तो ज़रूर देता, क्योंकि पिक्चर क्वालिटी के लिए जब मैं पैसे देता हूँ और उसे हर रोज़ इन्जॉय करता हूँ कई सालों तक, देन मेरा एक एक पैसा दिया गया वर्थ होता है। That is what I think. आपको क्या लगता है आप भी बताइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे जो आपको कमेंट सेक्शन दिया है वहाँ पे आप लिख सकते हैं अपना जवाब, और अगर आपका कोई सवाल है तो वो भी आप पूछ सकते हैं मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर। और दोस्तों प्लीज़ मेरा लिंक यूज़ करके अपनी परचेज करिएगा, इस चैनल की बहुत ज़्यादा मदद होती है और मैं हमेशा आपका थैंकफुल रहूँगा। याद रखिएगा, सवाल और आपका ओपिनियन इस टीवी के बारे में और इस वीडियो के बारे में, मैं तीनों चीज़ों की वेट करूंगा आपके कमेंट्स में, और मैं आपसे मिलता हूं अपने अगले वीडियो में बहुत ही जल्दी। थैंक यू वेरी वेरी मच।